आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, यानी जब पार्टनरशिप होती है तो पार्टनर्स के दरमियान एग्रीमेंट होता है। पार्टनरशिप हम कहते हैं जब दो लोग मिलकर बिजनेस चलाते हैं और उनका मकसद होता है कि उस बिजनेस से प्रॉफिट अर्न किया जाए। तो जब बिज़नेस को चलाया जाता है तो दो लोग ये जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं ये एग्रीमेंट करते हैं, जिसमें डिफरेंट क्लॉजेस होते हैं, जिसमें डिफरेंट नुकात होते हैं, लिखा होता है, तय किया जाता है बिज़नेस के जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया जाएगा, कितना शेयर प्रॉफिट का लिया जाएगा, कब पार्टनर बिज़नेस से निकलवा सकते हैं अमाउंट, या इस तरह की तमाम चीज़ें हम लोग तय करते हैं। और ये एग्रीमेंट क्या होता है, उसमें क्लॉजेस कौन कौन से होते हैं, ये हम इससे पहले सीख चुके हैं और पार्टनरशिप से पहले ही किया जाता है। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब इस तरह के फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं किए जाते, तो ये हम उस केस की बात कर रहे हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, जब एग्रीमेंट इस तरह से पहले नहीं किया गया तो कुछ चीज़ों के मामले में रूल्स हैं जो कि पार्टनरशिप एक्ट हमें बताता है कि हमें वो रूल फॉलो करने हैं। अब उन रूल्स को हम वन बाय वन देखते हैं। अब जब इन्वेस्ट किया है कैपिटल, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है, पैसा लगाया है, तो जो पैसा लेकर आए हैं उसे कैपिटल कहा जाता है। अब अगर ये डिसाइड नहीं किया कि पैसा लगाने के बाद, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है और उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, तो फिर किसी ने कितनी भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, कितना भी कैपिटल बिजनेस में लेकर आया हुआ है, अगर ये पहले एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ तो ये रूल हमें ये बताता है कि जितने भी पार्टनर्स हैं, लेट्स सपोज बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो होता है ₹1,00,000, और जो पार्टनर हैं वो हैं बिजनेस के टू, यहाँ टू पार्टनर्स हैं, तो ये क्या करेंगे, ये इस प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 50,000 जाएगा, नाम लिख लेते हैं हम इन पार्टनर्स के, यहाँ पर हैं मिस्टर हादी और मिस्टर बिलाल, और ये जो अमाउंट है 1,00,000 प्रॉफिट हुआ है और इसका 50,000 जाएगा मिस्टर हादी के पास और 50,000 ही जाएगा मिस्टर बिलाल के पास। इसके बाद जो अगला रूल है वो हम लोग देखते हैं, अगर जो बिज़नेस है, बिज़नेस को पार्टनर ने लोन प्रोवाइड किया हुआ है, एक वो अमाउंट होती है जो कि बिज़नेस में इन्वेस्ट की जाती है जिसको हम यहाँ पर कैपिटल कहते हैं, और दूसरा ये है कि लोन, बिज़नेस को कर्ज़ा दिया हुआ है पार्टनर ने। अब अगर ये है कि बिज़नेस को कर्ज़ा दिया हुआ है तो फिर, और ये डिसाइडेड नहीं है क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है, और एग्रीमेंट में ये एग्रीमेंट नहीं है, एब्सेंस है एग्रीमेंट की, तो पहले डिसाइड नहीं किया हुआ कितना लोन जो है उस पर इंटरेस्ट कितना लेना है, तो फिर ये रूल है, ये पार्टनरशिप एक्ट ने बताया है हमें कि हमें इस लोन पर, जो भी लोन की अमाउंट है, यहाँ हम लिख देते हैं ये लोन की अमाउंट है ₹50,000 लोन लिया है, और इस 50,000 पर फिर जो इंटरेस्ट चार्ज करना है वो है 5%, तो मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, डिवाइड करते हैं 100 से, ये दो ज़ीरो इन दो ज़ीरो से कट गए, और यहाँ पर अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 5 को 500 से, तो ये बनता है 2500, यहाँ रुपीस लिख लेते हैं, तो जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा इस केस में वो है 5%, और ये बात कर रहे हैं हम लोन की। अगर फर्म ने या बिजनेस ने, पार्टनरशिप बिजनेस ने किसी पार्टनर से लोन लिया है। इसके बाद हमने पहले बात की कि जब कोई पार्टनर सर्विसेज प्रोवाइड करता है एडिशनल, जो भी तय हुई होती हैं उसके अलावा जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कोई ख़ास काम करता है, जैसा कि हम कहते हैं एक पार्टनर जो है वो अकाउंट्स में स्पेशलिस्ट है, तो अकाउंट्स वो खुद ही डील कर रहा है बजाय इसके कि किसी पर्सन को हायर कर ले इस काम के लिए, तो यहाँ पर जो सैलरी है, कोई पार्टनर सैलरी नहीं ले सकता, जो भी काम जो भी पार्टनर कर सकता है वो करेगा, और अलग से सैलरी किसी भी काम की पार्टनर नहीं ले सकता, नो पार्टनर इज़ इंटाइटल्ड टू एनी सैलरी। और इसके बाद है
कि अगर पार्टनर जो कि कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, समटाइम ये भी होता है कि एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लेकर आ रहा है, तो उस एडिशनल कैपिटल पर जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, यानी फर्म को ये भी या बिजनेस को ये भी एक्सपेंस बियर करना पड़ता है। अगर एग्रीमेंट हो पहले तो ये इंटरेस्ट जो है कोई भी पार्टनर है वो बिजनेस में एडिशनल अमाउंट लेकर आ रहा है, जैसे यहाँ लिख लेते हैं ₹1,00,000, तो जो भी इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में उसके लिए वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा। लोन है, लोन दे रहा है तो 5% इंटरेस्ट लेगा, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है एडिशनल तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज वो नहीं कर सकता। इसके बाद इन केस के एब्सेंस है, एग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ, तो आखिरी जो बात है वो ये है, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज बाय द फर्म। जिस तरह हम कह रहे हैं कैपिटल बिजनेस में लेकर आएगा और बिजनेस जो है उसको उस कैपिटल के लेकर आने पर कोई इंटरेस्ट की अमाउंट पे नहीं करेगा, बिल्कुल इसी तरह जब पर्सन कोई पार्टनर फर्म से कोई अमाउंट निकलवाएगा, जैसे ड्राइंग हम कहते हैं, पर्सन ने जो के पार्टनर है उसको नीड है, उसने ₹80,000 की का कोई ख़र्चा आ गया है इम्पोर्टेंट, उसने अपने बच्चे की सैलरी पे कर उसने अपने बच्चे की फ़ी पे करनी है 80,000 की, तो ये अमाउंट उसे अब बिजनेस से पार्टनरशिप से निकलवानी पड़ेगी। अब जिस तरह उसके कैपिटल को इन्वेस्ट करने पर पार्टनरशिप से उसे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बिल्कुल इसी तरह जब उसे इन केस ऑफ नीड अमाउंट निकलवानी पड़ी है या कोई और चीज़ निकलवानी पड़ी है तो उस पर फॉर्म बी उससे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। वो जब अमाउंट होगी वो अमाउंट वापस जो ड्राइंग निकलवाई है वो वापस पे कर देगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि पार्टनरशिप जो दो लोगों के दरमियान होती है कि मिलके बिजनेस चलाएंगे और अगर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसको शेयर करेंगे, तो उससे पहले एग्रीमेंट तय किया जाता है, कुछ वायदा किया जाता है जिसमें तमाम नुक्कात पहले डिस्कस किए जाते हैं, और अगर ऐसा हो कि फॉर्मल एग्रीमेंट पहले वायदा पहले तय ना किया जाए तो फिर पार्टनरशिप एक्ट ने हमें कुछ रूल्स बताए हुए हैं, उन रूल्स को हमने फॉलो करना है और ये रूल्स हमने इस वीडियो में सीखे।